दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गले का एक डिजाइन लेकर के आया हूँ जो कि हम प्रिंटेड कपड़े में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट है प्रिंटेड और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कलर मैच करते हुए हमने एक ये लेस ली हुई है 7 रुपये पर मीटर के हिसाब वाली। तो 1 से 1.25 मीटर यहाँ पे लेस लगेगी, ज़्यादा लेस नहीं लगेगी। तो ये मैंने यहाँ पे ली हुई है। हमें बुकरम में से गले की कटिंग करनी है। बुकरम हमने डबल कर ली है और यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच तक और जो हमें डीप लेंथ रखनी है 7 इंच। यहाँ पे लगाएंगे हम 1 इंच का निशान और इस तरीके से यहाँ पे शेप डाल देंगे। इसके बाद हमें नीचे की साइड का डिजाइन बनाना है। तो नीचे आप देख ले, आइडिया ले ले कितने इंच तक आप यहाँ पे रेडी करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 5 से 5.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ और यहीं से हम इस तरीके की शेप डालेंगे। तो ये थोड़ा डीप भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि डिजाइन की शेप हमारी अच्छी आनी चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे बाहर की साइड एक निशान लगाना है। ये लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, मैं यहाँ पे 1.25 इंच लगा रहा हूं। इन निशानों को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये नेक लाइन की जो है कटिंग कर ली है। ये वाला हिस्सा रहेगा हमारा बीच वाला, यहाँ पे सेंटर वाला इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। तो इसमें हम यहाँ पे डिजाइनिंग डालेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप इसमें जाली बना सकते हो या कोई एंकर के धागे का भी काम कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसमें पूरी जाली बना दूंगा इस पूरे इतने भाग में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको पेस्ट करना है। प्लेन कपड़ा है हमारे पास, जो बॉटम है वो प्लेन है, तो प्लेन कपड़े के ऊपर इनको चिपका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेक लाइन को पेस्ट कर लिया है इस तरीके से और बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये हमने फोल्ड कर लिया है। सीधा हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बीच में हमारा यहाँ पे ये पैच आ जाएगा इस तरीके से। इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे पहले पेस्टिंग की है और फिर पेपर फ्यूज चिपकाई है ताकि हम एंकर के धागे का यहाँ पे अच्छे से काम कर सके। तो सभी पेस्टिंग हमारी कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हमें इसके बाहर की साइड में हमें लेस लगानी है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाली लेस दिखाई थी तो ये मुझे थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट पड़ गई है, तो सेम कलर की मैंने यहाँ पे दूसरी लेस लेकर के अभी आया हूँ। हम यहाँ पे ये वाली यूज करेंगे। तो इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पे ऐसे किनारी की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करते जाएंगे।
लेस हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। इसके बाद हम रोंग साइड जो होती है फ्रंट की, इस तरीके से रखेंगे उसके ऊपर नेक लाइन को, और बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको सीधी साइड में तैयार करेंगे। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, सेंटर हमारा यहाँ पे मैच करना चाहिए। बुकरम के ऊपर आपकी बिल्कुल भी सिलाई ना चढ़े, ये आपने ध्यान रखना है। नीचे से भी हमने यहाँ पे सेंटर मिला लिया है। तो ये देखिए बुकरम के साथ में सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन इस तरीके से रखते हैं और सभी जगह से सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहां जहां पे हमारी गोलाई होती है इस तरीके से हम हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा लेते हैं। इस साइड में भी यहाँ पे भी गोलाई रहेगी तो यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने सीधी साइड में इसको पलट लेना है और आपका यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी शेप आप देखोगे, कितनी प्यारी सी शेप आ जाती है यहाँ पे पलटने के बाद। तो नेक लाइन आप देखोगे कितना प्यारा सा बन करके यहाँ पे रेडी होता है। इसके बाद हम एक सिलाई सिलाई के ऊपर लगाएंगे और फिर बीच की डिजाइनिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो भी हमारे व्यूवर देख रहे होंगे, हमारी बहनें देख रही होंगी इस डिजाइनिंग को, हमारे भाई लोग देख रहे होंगे, तो थोड़ा कुछ अगर कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो वीडियो को फिर आप रिपीट करके देखें तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और इस तरीके की डिजाइनिंग जो है ना, ये हमेशा मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। आप चाहे प्रिंट इसमें बना लो, चाहे आप प्लेन में बना लो, तो आपने भी एक बार ट्राई जरूर करना है। और यहाँ पे बात करते करते ही मैंने सिलाई को कर लिया है पूरा। यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला पीस है सेंटर वाला, अब हमें ये अटैच करना है। और सिंपल क्यों करना है, इसमें भी हम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे तिरछे में और रिब में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जब भी आप सिलाई लगाओ तीन धागे इकट्ठे यहाँ पे डाल लें। देखिए मैंने भी यहाँ पे तीन धागे डाले हुए हैं, एक दो तीन, तीन धागे डाल लें और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूसरी साइड में यहाँ पे जो दूसरी सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए सब लगानी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरे पीस में यहाँ पे ये जितने हमारी गोलाई वाला पार्ट है ये इसमें एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। जब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके की नेक लाइन के क्या चार्ज करते हैं, तो प्लीज ये कॉमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि आजकल क्या है कि कस्टमर जो होते हैं तो वो उनको ये रहता है कि 100-150 रुपये में हम एक अच्छा खासा नेक लाइन बनवा लें, लेकिन कई बार क्या होता है 100 से 150 रुपये हमारी लेबर लेबर चली जाती है,
तो प्लीज आप बताएं कि आपके यहाँ पे इस नेक लाइन के क्या रेट होंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सिलाई लगाता जाऊंगा। और अगर फ्रेंड्स आप ना ये सोचते हो कि हमें सिलाई का भी पता रहना चाहिए कि हम किस नेक लाइन की कितनी सिलाई लें, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। जो हम यहाँ पे नेक लाइन तैयार कर रहे हैं, इसकी हम टोटल जो चार्ज करेंगे ये हम 250 करेंगे एक्स्ट्रा में। जो हम नॉर्मल सिलाई लेते हैं वो अलग है, लेकिन इसका जो चार्ज रहेगा हमारा कम से कम 250 रहेगा, जिसमें हम नेक लाइन के ऊपर और स्लीट्स के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर लेस लगा करके देने वाले हैं। तो ये देखिए, बातों ही बातों में एक साइड की सिलाई मैंने कर ली है यहाँ पे पूरी। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जाली डालते हुए इस तरीके से एंकर के धागे का काम कर लिया है। एक साइड की मैंने सिलाई लगा के आपको दिखाई है, सेम वैसे हमने दूसरी साइड की लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कपड़ा रखेंगे इस तरीके से, और ऊपर की जो साइड होती है ना, इसको यहाँ पे हम कर लेंगे रेडी। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम पलटते हुए यहाँ पे सीधी साइड से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने देख लेना है कहाँ तक हमारी बुकरम होती है, तो यहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरीके के निशान लगा लेंगे। इससे पता लग जाता है कितनी चौड़ाई हमारे पैच की है, जो हमने कटिंग की थी वही रहेगी, कोई गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हमने नीचे की साइड यहां पे पैच को रखना है और दोनों साइड में इस तरीके से निशान लगा लेने, और यहां से हम अटैच करेंगे। तो यहां पे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमने निशान लगाए हुए हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा ये। किनारी की हमने यहाँ पे लगानी है सिलाई, और इस तरीके से यहाँ पे सेट करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अंदर की साइड का ये पैच लगा दिया है, मटका शेप में हमने यहाँ पे पैच लगाया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की नेक लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, और पहनने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेस आती है। आप भी इस तरीके की एक बार नेक लाइन को ज़रूर ट्राई करें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।